नूहू जिले के फिरोजपुर झिरका दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के दफ्तर में आज हम मौजूद हैं और यहाँ मैं एक खास चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार द्वारा जहाँ विकास के भी दावे किए जाते हैं कि भाई कार्यालय ठीक होने चाहिए, हालांकि विकास के बारे में जो है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बार बार कहा जाता है, ऐसे में आज हमारी टीम की नज़र पड़ी हमें कि ये जो कमरा आप देख रहे हैं कि ये SDO जो बिजली विभाग फिरोजपुर झिरका के SDO हैं सुनील कुमार, यहाँ जो कार्यरत हैं 12/11/21 से यहाँ कार्यरत हैं और अब तक हैं। इधर मैं दिखाना चाहूँगा एक ऐसी चीज़ आपको दिखाऊँगा कि अधिकारी यहाँ पर डर के साये में जी रहे हैं। इधर मैं दिखाना चाहूँगा सीधा प्लास्टर पर पूरी तरीके से कमरा है जो इसका प्लास्टर पूरी तरीके से उधड़ा हुआ है, हालांकि अधिकारी यहाँ इसके नीचे बैठते हैं। ऐसे में बरसात के रिमझिम बरसात के दिन चल रहे हैं तो ये कमरा अचानक जो है कई बड़े बड़ी हादसे भी हुए हैं, हादसों के शिकार भी लोग हुए हैं। ऐसे में जो गाँव में भी पानी वगैरह भर जाने के कारण जो है मकान टूट जाते हैं, ऐसे में अधिकारी ये हरियाणा सरकार के अधिकारी हैं, आप खास तौर से देख लीजिए SDO साहब बेखूबी अपना फर्ज निभा रहे हैं। SDO साहब यहाँ जो बेखूबी अपना फर्ज निभा रहे हैं और जो है चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जो हरियाणा प्रदेश में पंचायत चुनाव हैं, जिला पार्षद ब्लॉक समिति जो उम्मीदवार हैं लगातार अपनी जो है नोड्यूज लेने के लिए बिजली दफ्तर आ रहे हैं और ऐसे में कुछ अधिकारियों से मिल रहे हैं अपने फार्म वगैरह और खास दिशा निर्देश जो देते नजर आ रहे हैं SDO फिरोजपुर झिरका बिजली निगम के जो SDO हैं सुनील कुमार, खास जो दिशा निर्देश उनको ये देते नजर आ रहे हैं कि भाई उम्मीदवार हैं जो अपने सभी दस्तावेज जो पूरे लाएं और उनको जो है 4 घंटे के अंदर अंदर बिजली विभाग की तरफ से नोड्यूज देने का जो एक सिलसिला जारी है। हालांकि कुछ उम्मीदवार थे बाहर, वो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे थे कि भाई आज हमको 3 दिन हो गए लेकिन हमें नोड्यूज नहीं दिया गया। तो हमारे साथ जो है SDO बिजली विभाग श्री सुनील कुमार जी हैं, ये बताएंगे आखिरकार सर आरोप प्रत्यारोप बिजली विभाग पर लगते आते हैं बाहर, अभी जो चुनावी सरगर्मियां तेज हैं ऐसे में उम्मीदवार कहीं बैंकों के चक्कर काट रहे हैं नोटिस के लिए, कहीं बिजली विभाग के, तो अभी बात हो रही थी बाहर पे एक उम्मीदवार की जो जिन्होंने कहा कि भाई मुझे 3 दिन हो गए और मुझे नोटिस नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो नोटिस अगर पेपर फॉर्मेलिटीज अपनी पूरी एफिडेविट ये छोटी छोटी हमारी वो हैं फॉर्मेलिटीज़, अगर इनको भी कोई पूरा करके नहीं लाएगा तो फिर 3 की जगह 30 दिन भी चक्कर काट सकता है, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके ला रहा है हमारा काउंटर पे बंदे बैठे हुए हैं वो उसको फॉर्म सबमिट करवा दें, 1 बजे तक जो फॉर्म हमें देता है शाम 4 बजे तक हम वापस उसको साइन करके दे देते हैं। हमने प्रोसेस ये लिख के बाहर भी चिपका रखा है कि 1 बजे तक फॉर्म देने वाले को 4 बजे तक फॉर्म वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई उसके बाद देगा तो उसको नेक्स्ट डे ही मिल पाएगा, और पब्लिक क्योंकि ज़्यादा है टाइम तो हमें भी लगेगा क्योंकि साइट से वेरीफाई भी करवाना पड़ता है और फिर हमें अपने सिस्टम में भी वेरीफाई करना पड़ता है, तो इतना टाइम तो हमें चाहिए, इससे कम टाइम में तो हम दे भी नहीं पाएंगे, लेकिन असुविधा उसी आदमी को होगी जिसकी पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होंगी। तो सर अधिकारी डर के साये में जी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपका जो दफ्तर है ऊपर से प्लास्टर उधड़ा हुआ है बरसात के दिनों में, सूखा भी कहीं जो है बरसात के दिनों नहीं, ये तो अभी गिरा है हमारे ऊपर। जी 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 जी, ये तो हमारे ऊपर अभी गिर भी गया, बच गए हम। जी जी, ये तो लेकिन हमने हायर अथॉरिटीज को भेजा तो हुआ है। जी जी, वो बिल्डिंग प्लान भी उन्होंने बना दिया है कोई, और कल आज सुबह भी उनका फोन आया है इस रिलेटेड, तो शायद वो आज कल में विजिट भी करने वाले हैं, तो हो सकता है हमें इतने टेम्परेरी अरेंजमेंट कहीं मिल जाए, कोशिश जारी है हमें हम, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए बैठना मुश्किल तो हो गया है, हमने अवगत भी करवा दिया है, बाकी नई बिल्डिंग का प्रपोजल तो हमारा चला गया है। इलाके की जनता को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे चुनाव नज़दीक हैं ऐसे में नोड्यूज वालों को आपने बता ही दिया कि भी अपने कागजात पूरे लाएँ तो नोड्यूज मिलेगा, बाकी मतदाताओं से क्या अहम संदेश अपनी तरफ से एक अधिकारी होने के नाते देना चाहेंगे? मैं जनता आम सर्वसाधारण को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि योग्य उम्मीदवार को चुन के अपना सरपंच पंच जो भी बनाना है योग्य उम्मीदवार को बनाएं ताकि वो आपके एरिया का विकास करे, आपके एरिया का विकास होगा, डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा, आगे फिर देश का विकास होगा, इसी तरीके से कड़ी जुड़ी है, इसलिए मैं यही लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जो योग्य उम्मीदवार हो उसी को वोट दें, दूसरे को ना दें। ये थे हमारे साथ फिरोजपुर झिरका बिजली निगम के जो SDO हैं
सुनील कुमार जी, उन्होंने बेबाकी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया। हालांकि कुछ जो बिजली विभाग की परेशानियां भी होती हैं, वो परेशानियां दिखाने की हमने आपको कोशिश की। हालांकि हरियाणा सरकार को प्रपोजल इसके लिए भी जो है विभाग के एसडीओ द्वारा भेज दिया गया है कि उसकी टेम्परेरी बिल्डिंग कहीं पर भी जो है। और रही बात न्यूज की, उम्मीदवारों को भी खास दिशा निर्देश है कि भाई अपने सारे कागजात पूरे लाएं, आपको हरगिज परेशानी नहीं होगी। अगर आप कागजात नहीं लाओगे तो आपको बिल्कुल ही न्यूज नहीं मिलेगा। ये खास तौर से ध्यान देकर जो उम्मीदवार